नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही आई सामने। उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव बड़ियो बाला में सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोगपुर डैम से निकलने वाली नहर जगह जगह लीकेज बदहाल अवस्था में होने की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है तथा आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नहर कभी भी टूट सकती है। पानी रोड पर से होता हुआ किसानों की खड़ी फसल जैसे धान गन्ना में जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि 2 साल से नहर की साफ सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा रहा है और नहर को तोड़कर खेतों में जा रहा है। ये नहर गांव भोगपुर बड़ियावाला भगवंतपुर मंडवा खेड़ा जसपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उधम सिंह नगर संवाददाता अजय सागर की रिपोर्ट। ये पानी ऊपर से चल रहा है, अभी यहाँ से नहर रात भर चलता रहा तो नहर टूट जाएगी। ये पानी बहता लेके जाएगा कई किलोमीटर दूर तक। ये 2 साल हो गए नहर की, अभी तक सफाई नहीं हुई। जब तक ये नहर की सफाई नहीं होगी, जब तक ये समस्या हल नहीं होगी, उसके बाद में अपना काम चालू करेंगे। वो कच्चा बंदा इन्होंने काट दिया, वहाँ से भी नहर टूट सकती है जब ये पानी छोड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं ये लोग। नहीं चाहिए यहाँ पे, पता नहीं कब का गया हुआ के 3 जगह पे नहर लीकेज है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लीकेज है, आने जाने वालों को परेशानी पड़ती है। अगर ये कुछ ना देखे तो रात को ये नहर टूट जाएगी। लेके ये भगवंतपुर तक होनी चाहिए, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई 2 साल से। गन्ने को हो सकता है अगर नहर टूटती है तो।